हेलो दोस्तों, एवन सिविल ड्रीम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं रैबिट सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट ट्यूटोरियल, मासिंग एंड साइट। ये दिस कमांड के बारे में आज बतलाने जा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, यदि आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं और आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखते हैं किस तरह से ये कमांड यूज किया जाता है और क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए। तो दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग कि एक प्लान बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक बनाया हुआ है। तो पिछले बार में इसके बारे में बतलाए थे आप लोगों को, ये ट्यूटोरियल में, पिछले बार ट्यूटोरियल में, और ये रेलिंग दिया हुआ है। तो आज मैं ये सब न्यू बनाया, पेड़ वगैरह लगाए हैं, इसके बाद इधर स्विंग हो गया, इधर पे पार्किंग हो गया, आप यहाँ पे गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं, पीछे स्विंग पूल वगैरह बना सकते हैं। तो देखिए, चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इसको बैक करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि वो सब वायर्ड हो गया, ये प्लान है बिल्डिंग का। तो इसका मासिंग एंड साइड पे सबसे पहले क्लिक करिएगा, उसके बाद फिर आप लोग को इस तरह से थ्री डी में है, तो इसको मैं टॉप व्यू कर देता हूँ। टॉप व्यू से इस तरह से दिखेगा, ये पूरा रूफ है। तो चलिए मैं इसको मासिंग एंड साइड के बारे में बता दें। तो इस पर क्लिक करिएगा, उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आइकन खुलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। प्रोजेक्ट एंड सेव, नहीं सेव नहीं कर रहा हूँ। तो उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आइकन दिखेगा आपको। तो यहाँ पे पेज प्लेस पॉइंट होगा, प्लेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इस पर मैं क्लिक किया तो मैं एक बॉर्डर बना रहा हूँ, तो ये पूरा बन रहा है। दोस्तों, यदि आप को एक बात बतला देना चाहता हूँ कि मैं इसका कोई हाइट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, मैं प्लेन में ले रहा हूँ। आप इसको किसी भी हाइट पे वगैरह पे ले सकते हैं इसको। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं ये प्लेन ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एलिवेशन दे रहा होगा, एलिवेशन पे आप कोई हाइट वगैरह ले करके फिर से आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्लेन ये लिया, तो प्लेन में आप देख सकते हैं इसको पूरा प्लेन हो गया, प्लेन है। चलिए मैं आपको करने के बाद प्लेस पॉइंट, उसके बाद क्रिएट फ्रॉम इम्पोर्ट, तो इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, पहले इसके बारे में एक बार फिर से बतला देना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हाइट वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि मैं 1 फीट दे रहा हूँ, इसको इंटर कर दिया। तो आप यहाँ से और ए लेवल दोनों अलग अलग लेवल है। चलिए मैं इसको, रहे हैं कि दोनों का लेवल अलग अलग है, जैसे
जैसे इसका लेवल और इसका लेवल दोनों का एक पर्टिकुलर हाइट पे है, जो कि मैंने 1 फीट लिया था। यहाँ से देख रहा होगा, यहाँ पे कैप दिख रहा है दोनों का हाइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे यदि आपको ब्रिज वगैरह लगाना है तो यहाँ पे साइड पे क्लिक करने के बाद आपको इसको टॉप ले लेता हूँ। व्यू से इस तरह से दिख रहा है। तो मैं एक ब्रिज यहाँ पे लग गया, एक ब्रिज यहाँ पे लगाता हूँ, एक ब्रिज लगाता हूँ, एक ट्री यहाँ पे लगाता हूँ। अब इसको आप थ्री में देख सकते हैं, ये आपको दिखेगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये ट्री लग गया, ट्री लग गया। जैसे दोस्तों आपको पार्किंग पे कर देना है, तो यदि यहाँ पे एक फ्रंट व्यू है तो बिल्डिंग का, तो यहाँ पे आपको पार्किंग पे कर देना है। तो पार्किंग पे कर देने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये पार्किंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करिए। यदि आपको ये कहीं भी देना हो, यदि ये साइड देना हो, ये साइड देना हो, कहीं भी देना हो, या साइड में देना हो, तो आप कहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं आप यहाँ से। इसे इसका हाइट वगैरह भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ इसका हाइट। बाद इसको एडिट प्रॉपर्टी वगैरह भी कर सकते हैं आप, जैसे एंगल 90 डिग्री दे रहा है। तो आप इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं अपना व्यू से। लोड में क्या होता है दोस्तों कि यदि आपका सिस्टम में और भी कमांड वगैरह है, ट्रिक है, या कुछ और भी सेटिंग अनदर कमांड वगैरह है, तो यहाँ से सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो मेरे में नहीं है तो मैं नहीं किया। उसके बाद यहाँ से आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, पार्किंग का लेंथ कितना होगा, उसका चौड़ाई कितना होगा, तो आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। चलिए मैं 1 फीट इसको हाइट ले लिया, पार्किंग का हाइट 1 फीट हो गया। दोस्तों ये पार्किंग हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं बिल्डिंग पैड पे। बिल्डिंग पैड क्या होता है दोस्तों कि यदि आपको कोई स्विमिंग पूल वगैरह बनाना है, या यहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह करना है, तो आपको उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे, चलिए मैं एक बना करके दिखा देता हूँ, एक लाइन लेता हूँ। अच्छा से लेता हूँ, बनाता हूँ उसको, इसे लाइन लिया मैं। पोर्शन को कट करता हूँ, इसे एक लाइन यहाँ पे ले लेना, जो कि इसका लेवल में हो गया। इसको मैं 1.A ले लेता हूँ। इसका किस तरह से होगा, चलिए मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं। लेवल 1 पे ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, लेवल 1। उसके बाद इसका हाइट कितना होगा, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होगा या नीचे होगा, तो मेरे को नीचे करना है, तो -4 फीट दिया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे, तो ये मेरे इस तरह से दिखेगा, मतलब एक तरह से गड्ढा बन गया। ये आप कर सकते हैं स्विमिंग पूल वगैरह बना सकते हैं आप इसमें, कुछ और सेटिंग वगैरह करके, कुछ और भी कमांड ऐड करके आप अच्छा से स्विमिंग पूल बना सकते हैं। चलिए मैं एक नॉर्मल करके दिखाते हैं दोस्तों, चलिए इसको। उसके बाद फिर से क्लिक करते हैं उस पर, उसके बाद फिर इससे इस पर एक कमांड क्लिक करने के बाद आप अपना स्लैब का आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, या तो रूट वगैरह भी बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक रूट लेता हूँ। दोस्तों देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे एक या कह सकते हैं कि आप रोड वगैरह भी बना सकते हैं जाने का, जैसे मेरे को पार्किंग है ना, जैसे इसको मैं साइड से देखूंगा तो सपोर्टेड मेरे को ए ये मेरा फ्रंट व्यू है जो कि मेन गेट है बिल्डिंग का, यहाँ पे मेरा पार्किंग है, तो पार्किंग वगैरह लगा करके इधर से उधर जा सकते हैं, मतलब एक तरह से रोड भी दे सकते हैं यहाँ पे, चारों तरफ आप रोड भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं ये करके दिखा दिया इसको। दोस्तों ये था मासिंग एंड सेट कमांड में इतना करने का, इसमें और भी आप बनाएंगे तो और भी अच्छा से बना सकते हैं। मैं कमांड के बारे में बताया कि हाँ यदि आपको ये आपका इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है तो इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप इसके प्रॉपर्टी पे जा करके यहाँ से कलर वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे इसका कलर है ब्लू है तो मैं क्या लूँ, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में बतलाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में अगला कमांड लेकर के आऊँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आवे वहाँ पे मेरे को कमेंट करिए कि इस पॉइंट पे मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा। यदि आपको कमेंट नहीं कर सकते हैं तो मेरे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर होगा, या तो नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नहीं तो मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला ट्यूटोरियल जो बनाऊँ जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों बाय।